हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट 9। इससे पहले हमने यूनिट 8 तक के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी और आज हम बात करेंगे यूनिट 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो हमारा जो यूनिट 9 है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें टोटल 5 सेक्शन है। अब वो 5 सेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। इस तरीके से टोटल आपके 5 सेक्शन बनते हैं। अब आप देखेंगे कि हर एक जो सेक्शन है उसमें 7 to 8 टॉपिक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कैसे रिवाइज करें, कैसे रिकॉल करें, और हमें सारे के सारे पढ़ने भी नहीं है, रिवाइज भी नहीं करने, रिकॉल भी नहीं करने। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बात करें स्मार्ट अप्रोच के बारे में। स्मार्ट अप्रोच में सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट हमें ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको पता होगा जो आपकी यूनिट 9 है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है इस यूनिट में टारगेट कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने यहाँ पर 15 ईयर के एनालिसिस के बाद कुछ टॉपिक्स आइसोलेट करे हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक, लेस एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो इस स्लाइड में हम बात करें मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक में यहाँ पर मैंने खाली 5 टॉपिक ही मेंशन करे हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने। इसमें है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन से 66 क्वेश्चन पूछे गए। 66 क्वेश्चन मीनिंग बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का। तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फिर आपको प्रिपेयर करना है प्लांट क्लासिफिकेशन, 45 क्वेश्चन, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी 18 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस 15 क्वेश्चन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन 13 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल 5 ही टॉपिक हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक हो। 5 टॉपिक कितने कम टॉपिक हैं, इनको तो आप आराम से कहीं पर भी बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में टोटल 3 ही आपके टॉपिक्स हैं। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न 7 क्वेश्चन एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 ही टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 9 में पढ़ने हैं। 8 टॉपिक आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टारगेट करिए अपने हाई फ्रिक्वेंट टॉपिक पे, उसके बाद आपको टारगेट करना है मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक पे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम यूनिट 12 एंड यूनिट 13 के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।